पाकिस्तान का असली चेहरा कल सामने आ गया। प्रियंथा कुमार नामक एक मैनेजर, जो कि फैक्ट्री मैनेजर थे, उनके साथ जो बर्बरता की गई उसकी पूरी दुनिया में निंदा हो रही है। वहीं इस घटना के पीछे की जो वजह है वो जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल प्रियंथा कुमार एक मैनेजर हैं, फैक्ट्री मैनेजर, और एक्सपोर्ट में काम करते हैं। इसी दौरान वो टी शर्ट्स बनाया करते थे और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम्स की न जाने कितनी ही टी शर्ट्स उन्होंने अपने हाथों से बनाई हैं। वहीं उनको इनाम ये दिया गया कि उन्हें काफिर बोलकर बर्बरता के साथ खत्म कर दिया गया। जिन लोगों ने उन पर बेअदबी का इल्जाम लगाया था उन्हीं लोगों के बयान सामने आए हैं और ये साफ हो गया है कि एक धार्मिक पार्टी है पाकिस्तान में, TLP, उसके कुछ पोस्टर लगे हुए थे जिसमें उर्दू में कुछ लिखा हुआ था। प्रियंथा कुमार नहीं जानते थे कि वो क्या लिखा हुआ है। लोगों का कहना है कि वो कुरान की कुछ आयतें थी जो कि उसमें लिखी हुई थी। प्रियंथा कुमार ने जब देखा कि पोस्टर आधा उतर रहा है तो उन्होंने उस पोस्टर को पूरा उतार दिया और डस्टबिन में फेंक दिया। इसके बाद फैक्ट्री के कुछ लोगों के लगातार टारगेट पर थे प्रियंथा कुमार और उन्हीं लोगों ने शोर मचा दिया कि प्रियंथा कुमार ने गलत किया है, बेअदबी की है। कई बयान सामने आए हैं जिनके बाद ये साफ हो गया है कि कैसे प्रियंथा कुमार को टारगेट किया गया, क्योंकि वो मुस्लिम नहीं थे। उन्हें ये बता के टारगेट किया गया कि वो माइनॉरिटीज में हैं और पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के साथ ऐसा ही किया जाता है। अभी तक लोग ये दावे कर रहे थे कि जो पोस्टर है वो रिलीजियस था, लेकिन अब ये बात साफ हो गई है कि पोस्टर रिलीजियस नहीं था। पोस्टर एक पॉलिटिकल पार्टी का था, उस पर कुछ लाइनें लिखी हुई थी। वहीं इस घटना के बाद से प्रियंथा कुमार का परिवार सदमे में है और साथ ही साथ पाकिस्तान में जितने भी गैर मुस्लिम रह रहे हैं वो डरे हुए हैं। जिस तरह से एक बड़ी भीड़ ने ये बर्बरता दिखाई है, उसके बाद ये साफ हो गया है कि पाकिस्तान सरकार किसी भी माइनॉरिटीज का साथ नहीं देती है। हैरान करने वाली बात है कि किस तरह से नारे लगाए गए कि काफिर के बच्चे ने कुरान की आयतें डस्टबिन में फेंकी हैं और उसके बाद भीड़ इकट्ठी की गई, हालांकि वो एक राजनीतिक पार्टी का पोस्टर था। वहीं पाकिस्तान की पब्लिक दो भागों में बट गई है। ऐसे लोग भी हैं जो इस कृत्य को गलत बता रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो इस बात की प्रशंसा कर रहे हैं। भीड़ के उकसने की प्रशंसा की जा रही है और इसे एक अच्छा कदम बताया जा रहा है। इस घटना के सामने आने के बाद जितने भी नॉन मुस्लिम पाकिस्तान में रह रहे हैं उन्हें यह डर सता रहा है कि कहीं अगला नंबर उनका तो नहीं, कहीं उन्हें भी काफिर कहकर इसी तरह से प्रताड़ित तो नहीं किया जाएगा। पहले एक हैरान करने वाली बात है कि सरकार ने अभी भी कोई बड़ा कदम नहीं उठाया है और लगातार लोग इस पूरे मुद्दे को जायज ठहरा रहे हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।